हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे माय वीकेंड नाइट केयर। तो बेसिकली बिजी शेड्यूल में से टाइम नहीं मिलता है, तो आई मेड इट अ रूल कि सैटरडे में तो नाइट केयर करके ही रहूंगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले करेंगे थोड़ा सा फेस क्लीन और उसके बाद नाइट केयर। तो पहले मैंने फेस वॉश किया डर्मा डव 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश से। मेरे फेस में बहुत सारे एक्टिव पिंपल है, इसलिए मैं स्क्रब नहीं करती हूँ फेस को। आई जस्ट पैट ड्राई विद द टॉवल, अ सॉफ्ट टॉवल। अभी फेस को करेंगे क्लीन अप। तो हेडबैंड मैंने लगा लिया। तो पहले शुरू करते हैं विद स्क्रबिंग, जिसके लिए मैंने मोहा का हर्बल स्क्रब यूज किया है। दो माई स्किन इज एक्ने प्रोन, तो इसमें जो पार्टिकल्स रहता है, जो स्क्रबिंग मटेरियल रहता है, वो बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। एक्सफोलिएट तो करता है बट हार्श नहीं होता है। तो पहले मैंने स्किन को अपना थोड़ा सा पानी से पैट करके वेट कर दिया, एंड देन आई अप्लाइड द स्क्रबिंग क्रीम। दिस कैन बी यूज्ड बाय एनी टाइप ऑफ स्किन, ऑयली हो, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन एंड ड्राई स्किन ऑल्सो। अगेन मेरे स्किन में एक्टिव एक्ने है, तो मैं ज़्यादा फोर्सफुली नहीं कर रही हूँ, मोशन ज़्यादा दे रही हूँ, बट आई एम नॉट फोर्सफुली स्क्रबिंग माई फेस। स्क्रबिंग के बीच बीच में हाथ को गीला करना, इससे स्क्रबिंग बहुत आसानी से हो जाता है और ज़्यादा इरिटेशन भी नहीं होगा स्किन में। और जब भी अपना स्किन केयर कर रहे हो तो नेक पोर्शन को कभी मत छोड़ना। आई हैव स्क्रब्ड अराउंड माई आईज ऑल्सो, बट आप लोग अगर केयरफुल नहीं हो देन डोंट स्क्रब अराउंड योर आईज। आई वॉज स्क्रबिंग वेरी केयरफुली ताकि आंखों के अंदर ना जाए। ट्राई यूजिंग सर्क्यूलर मोशंस ऑन द चीक और अपना टी जंक्शन, जो कि फोरहेड से अपना नोज होता है एंड नोज के साइड में बहुत अच्छे से स्क्रब करना होता है। मैंने कुछ अपने हैंड मोशंस दिखाए हैं, यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। और हाँ, प्रोडक्ट्स के लिंक सारे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। मेरा तो ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है, आप लोगों को कौन से टाइप का स्किन है आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो मैंने बेसिकली एक वेट स्पॉन्ज लेके मैंने सारे स्क्रबिंग अपने फेस से हटा दिया है। नाउ माय फेस लुक्स अ लिटिल क्लियर, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देन आई हैव यूज्ड डर्माकोस सैलिसिलिक एसिड क्ले मास्क। आई हैव यूज्ड अ ब्रश एप्लीकेटर टू अप्लाई इट। आप लोग इसे हाथ से भी लगा सकते हैं। आईज एरिया पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बट मैंने नेक अपना पूरा कवर किया है। डोंट स्माइल व्हाइल अप्लाइंग एनी फेस पैक, नहीं तो रिंकल्स आ जाएगा। जिन लोगों का पिंपल या फिर सेंसिटिव स्किन है, वो लोग स्क्रबिंग मैक्सिमम 5-7 मिनट्स करना चाहिए, और ज़्यादा करेंगे तो इरिटेशन या फिर रेडनेस हो जाएगा। फेस पैक को अकॉर्डिंगली डायरेक्शन जो दिया जाता है यूज़ करने के लिए, उस हिसाब से यूज़ करना चाहिए। मैंने इस फेस मास्क को 10 मिनट्स रख के उसको वेट स्पॉन्ज से आराम से वाइप कर दिया। फेस में अभी बहुत ही फ्रेशनेस महसूस हो रहा है। अभी मैं अप्लाई करूँगी पिलग्रिम का पीलिंग सोल्यूशन। पीलिंग सोल्यूशन इंस्टेंटली हेल्प करता है टू रिड्यूस टैन अप टू सम एक्सटेंट। अगर आप वीकली 2 times रेगुलरली यूज करना शुरू कर दोगे तो स्किन में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट दिख जाएगा। स्किन में जो है आपको विजिबल ग्लो दिखेगा, आपके डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्पॉट्स या फिर हाइपर पिगमेंटेशन हो, पिगमेंटेशन हो, जो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसको मैंने एक थिन लेयर में ब्रश एप्लीकेटर से लगा लिया। 10 मिनट्स के बाद इसको वॉश ऑफ करके मैंने टॉवल से अपने फेस को ड्राई पैट ड्राई कर लिया। स्किन में बहुत ही विजिबल डिफरेंस दिख गया है और मुझे अभी बहुत ही ज्यादा फ्रेश लग रहा है। 2-3 मिनट्स के बाद मैंने अपना स्किन केयर शुरू कर दिया। एज यूजुअल आई स्टार्टेड विद टोनिंग। ये मैंने घर पे बनाया हुआ मेरा ग्रीन टी टोनर है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ग्रीन टी को बॉयल कर लो, वो ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा रोज वाटर मिला के आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, और अगर आपको एसेंशियल ऑयल यूज करना है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। टोनर को हमेशा मैं पैट करके स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए स्किन में मिलाती हूँ। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड छोड़ देने के बाद मैं सेरम यूज करती हूँ। मैं 2 सेरम नाइट में यूज करती हूँ। फर्स्ट है डॉट एंड के का नायसिनामाइड सेरम, जो की डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्पॉट्स को रिमूव करने में या फिर रिड्यूस करने में हेल्प करता है। 2-3 ड्रॉप्स अपने फेस पे लेके
उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करती हूँ। फिर मैंने यूज किया गुड वाइब्स का रोज हिप ऑयल, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑयल, जो कि मेरे पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स हटाने में बहुत मदद करता है। इट इज वेरी इफेक्टिव और सुबह को ग्लोइंग स्किन भी दिखता है। एंड देन मैंने यूज किया है नायका का स्लीपिंग मास्क, ये थोड़ा सा ही लगा लो एंड ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेता है। जब भी मसाज करती हूँ आई ऑलवेज मसाज इट टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, दिस हेल्प्स इन स्किन अपलिफ्टिंग एंड स्किन टाइटन रखने के लिए भी हेल्प करता है। मॉइस्चराइज करने के बाद खुद को थोड़ा सा मसाज, फेस मसाज कर लिया। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, आप लोग अगर नाइट स्किन केयर कर रहे हो देन रिमेम्बर टू अप्लाई सनस्क्रीन द नेक्स्ट डे। अभी इस लिप्स को भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लेंगे, प्लम का है ये और बहुत ही अच्छा स्मेल एंड टेस्ट भी है इसका। अभी मैं यूज कर रही हूँ फॉक्सटेल का एक्ने स्पॉट करेक्टर जेल, दिस टेक्स 4 to 5 days to reduce the active acne without any marks. And ये था मेरा होल नाइट का स्किन केयर रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं तो जा रही हूँ सोने, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।